मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अरे कौन है भाई? मैं जनाब अच्छू मियाँ रब नवाज बंदा नवाज बात कर रहा हूँ। हाँ भाई बात सुनो, सबसे पहले तो अपना नाम छटा करो, बहुत वक्त जाया होता है। फिर अपना नाम भी तब्दील करो। क्यों? लड्डू खाने से शुगर हो जाती है। आपने कॉमेडी करने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कि ये रशीद स्टेट का नंबर है। रशीद स्टेट का नंबर नहीं, ये लड्डू का नंबर है। मगर रशीद साहब ने तो यही नंबर लिखवाया था। लगता है अब्बा ने फिर किसी को चूना लगा दिया। अब्बा तुम कब सुधरोगे? नहीं भाई, ये किसी रशीद का नंबर नहीं है और हम किसी रशीद को जानते भी नहीं है। नंबर तो यही दिया था। तो भाई नंबर गलत भी हो सकता है, माफ करो ना। छोड़ूंगा नहीं इसको, नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अरे भैया, अरे अरे कौन हो भाई? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कहाँ है वो? उसे चले आ रहे हो? कौन हो? अच्छू मियाँ नाम है मेरा, कहाँ है वो? कौन, किसको ढूंढ रहे हो भाई? रशीद कहाँ है? वो मुझसे किराए के घर के लिए पैसे लेकर गया था। फिर मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर तो घर ही नहीं है। क्या मैं खाली प्लाट में रहूंगा? अच्छा ठीक है, मगर ये अब्बा का घर नहीं है, तुम जाओ। अब्बा? अब मेरा मतलब किसी के अब्बा का घर नहीं है जो कोई मूड आगे से भी अंदर घुस जाएगा। चलो बाहर निकलो। अरे मैं तो खुद उसे यहाँ पर छोड़ कर गया था। उसके बाद उसको मैंने फोन भी किया तो किसी मिठाई ने फोन उठाया। ओ भाई मिठाई नहीं, लड्डू नाम है मेरा, लड्डू, और मैंने ही फोन उठाया। मैंने बताया था भाई कोई गलत फहमी हो गई तुम्हारे को। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। रशीद को निकालो और ना मेरे पैसे निकालो। यहाँ से मैं पैसे लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। ओ भाई उठ उठ, मैं बता रहा हूँ, सीधी तरह बाहर निकल जा वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। चल चल भाग। अच्छा मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं डर कर जा रहा हूँ। अबे भाई तू उल्टा धमकी लगा रहा है, जानते नहीं लड्डू नाम है मेरा, देख लूंगा मैं तेरे को। अच्छा अच्छू को धमकी दे रहा है तू? अच्छू को? एक मिनट। हेलो, हाँ सबको लेकर यहाँ आ जाओ, सबको लेकर आ जाओ, यहाँ पर मैं यहीं पर हूँ, बस बुला लिया मैंने, आ रहे सब। अच्छा जब तक सब जमा होते तब तक ले तो बाहर निकल, जब आ जाए तो आ जाना। चलो चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, फिर आ जाना, फिर आ जाना, फिर आ जाना। अरे नहीं, अरे क्या कर रहा है? ओ भाई निकालो। लरहम करी तो गुंडा लगता है, बंदे भी बुलवा लिए। बात तो कब सुधरोगे? क्या करूं? पापा कहाँ हो? मुझे क्यों फंसा दिया? क्या पूरे 30,000 खा गए? और मेरा कमीशन 20,000 रुपए? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मेरे पैसे जल्दी भेज देना। ओके अल्लाह हाफिज। किसे बात हो रही थी भाई? अब्बा जी से। किसका नाम ले दिया यार, अच्छा खासा दिन गुजर रहा था यार। तो सर जी एक मसला हो गया। अबे तुम्हारे अब्बा का नाम आया हो, मसला ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तुम तो ले। अच्छा क्या हुआ बता। अबे यार ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन सुसा जी अब्बा जी को तो आप जानते ही हैं ना। अबे देख भाई लड्डू, मैं तेरे इस मामले में बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर 10,000 रुपए मिल जाए तो वो मैं जेब में रख लूंगा, और 10,000 मिल जाए तो दूसरी जेब में रख लूंगा, लेकिन करूंगा कुछ नहीं। तो पैसे किस बात के लेंगे? खामोश रहने के। सुसा जी आ जाओ भाई, सब आ जाओ, आ जाओ बच्चों, बैठो बैठो यहाँ पर। चलो जब तक हमें मकान नहीं मिल जाता हमें यहीं रहना है। जीना होगा मरना होगा। अरे अरे ये आप लोग कौन है और इस तरह अंदर कैसे आ गए आप लोग? ये लोग सब मुतासरीन है। ये बच्चे कितने क्यूट है ना, कितने प्यारे प्यारे। ओ भाई ओ, यहाँ पर हम लोग दावत में नहीं आए हुए। एक मिनट, हनी उठो, तुम मेरे साथ चलो, बहुत जरूरी काम है। हाँ चलो, यहाँ पर मामला मुझे कुछ लंबा ही लगता है। जीना होगा मरना होगा।
लड्डू तुमने मामा से पूछा इनको बुलाने से पहले? मैं उनको सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन तुम्हें ये करने के लिए इनको घर बुलाने की क्या जरूरत है? तुम भी ना, वो तो मैं बाद में बता दूंगा ना, सब समझा दूंगा। बस तुम मम्मी जी को ये पता मत चलने देना, बाद में मैं सब संभाल लूंगा। देख लो तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। बस ना प्लीज। अच्छा सही है, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। अरे ये बाहर इतना रश क्यों लगा हुआ है? कौन है ये लोग? ये लोग ना दरअसल मुतासरी नहीं, इन सब के पास घर नहीं है तो बस इसलिए यहाँ पर है। तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे तुम लड्डू को तो जानती हो ना, कितने नरम दिल का है वो। इन सब के पास घर नहीं था इसलिए लड्डू ने क्या किया, इन सबको उठा के यहाँ पे लेकर आ गया मम्मा से मिलवाने के लिए। मम्मा सबकी मदद करेंगी बस इसलिए। अरे तो मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो उनको भी यहाँ पे बुलवा लूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अब मेरा मतलब है कि एक वक्त में एक की मदद करेंगे ना, अगर एक साथ सब उठ के आ जाएंगे तो वो तवज्जो हट जाती है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, एक कप चाय पिला दो। चाय? अब मुझे चाय बनानी पड़ेगी। अब नहीं, मैं मुझे बनानी नहीं आती। अच्छा रुको, अब ये लो, अब जाके चाय भी पी लेना, और बल्कि इतने में तो बिस्किट्स वगैरह भी आ जाएंगे। लो पकड़ो। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कैन मुतासरीन में समझा हुआ है? रखो अपने पैसे अपने पास, मैं जा रही हूँ। अब हाँ जा जाओ, मेरे भी पैसे बचेंगे। अबे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? अबे मसला हो गया यार, उसने तो घर में धरना दे दिया। अबे तू क्या डर गया धरने से? धरनों से अच्छे अच्छे डर जाते हैं। अबे मेरे पास इसका भी हल है। क्या बता बता। अपना अब्बा बदल ले, यकीन मान तेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, सुकून में। चुप कर, फोन बज रहा है मेरा। हेलो, हाँ बोल। हाँ हाँ, अबे वो तो धरना देके बैठा है, बीवी बच्चों समेत घुस गया घर में। चुप, रख फोन, रख फोन। जब से तू रिपोर्टर बना उल्टी सीधी खबरें ही देता है, रख दे फोन। अबे मेरे पास प्लान है, इधर आ। तेरे पास? बता बता। तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? अबे हाँ, तू बस अपना मोबाइल बेच दे, किसी और से मारते हैं दूसरा मोबाइल। अबे कभी चोरी चकारी की बातों से बाहर निकल के भी बात कर लिया करो, इतना कमा लिया तुमने। अबे अब क्या मैं तुझसे न्यूक्लियर साइंस, बायो केमिस्ट्री इसकी बात करूं? अजीब बात कर रहा है यार। न्यूक्लियर साइंस, बायो केमिस्ट्री, यार ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है। वो क्या? बैलेंस है तेरे मोबाइल में? अबे ये कहां गया? ओए ओए, मेरा ख्याल है मैं किसी और के घर में आ गया। अरे नहीं नहीं यार, मेरा ही घर है, तो मेरा ही घर है। वो कौन हो भाई तुम? जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। दिखता नहीं है क्या, इंसान है हम? अबे हरकतों से तो नहीं लगता कि इंसान हो तुम। हैं? कौन हो तुम? और मैं इस घर का मालिक हूँ, गुलाम नाम है मेरा। मुझे गुलामों से बात नहीं करनी, मुझे रशीद से बात करनी है। कहाँ है वो? अभी लगता नहीं। रशीद के जैसे भी लोग हैं यार। मैं अभी आ रहा हूँ। बेगम यहाँ जो भी आ रहा है अंदर ही जा रहा है, लग रहा है हम यहाँ पर स्टेशन पे बैठे हुए। अब्बा जी तुम्हें अल्लाह पूछे, अब्बा जी तुम्हें अल्लाह पूछे। भाई बात सुन लड्डू, ये क्या हंगामा लगा हुआ बाहर यार? ससुर जी वही हुआ जिसका डर था। अब ये तुम्हारे अब्बा का कारनामा है? अबे इस मसले का कोई हल निकालो वरना बेगम आके हमें निकाल देंगी। अरे ससुर जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ बता दें। देख लड्डू, मैंने तुझे पहले ही कह दिया था इस मसले में तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। अरे ससुर जी कुछ तो करे ना। अबे उन्होंने धरना दिया हुआ बाहर यार। हाँ ऐसे आदमी लगता है। हाँ कुछ कर ले यार भाई, अपनी मम्मी जी के आने से पहले कुछ कर ले वरना हम निकाले जाएंगे यहाँ से। चले ससुर जी बाहर चल के नजारा करते हैं। अबे बाहर बारिश हो रही है, नजारा करने जाए हम लोग। चलो बच्चों खाना कौन कौन खाएगा? चलो ये ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चलो जल्दी खाना खाना स्टार्ट करो भाई। ये हाँ, ये आपका, आपको दो। हाँ ये आपका और ये आपका। चलो मोहतरमा
हम लोग कोई फकीर नहीं है। अब देखें आप लोग सब होलिये से तो फकीर लग रहे हैं, मगर मैंने कब कहा कि आप लोग फकीर हैं? जिस तरह आप खाना खिला रही है ना, लग रहा है हम किसी मजार पे आए हुए हैं। अब देखें, मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग के साथ ज्यादती हुई है। आपको कैसे पता चला? अरे इस बात का चर्चा आजकल हर गली में। तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं है? अब और क्या कर ले, हम सब कर तो रहे। मगर मेरे पैसे। हाँ पैसे, पैसे मिल जाएंगे, पैसे आराम से खाना खाए ना आप लोग। हनी हनी आओ 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 जरा, मैं बच्चों को खाना तो खिला दूं। खा लिया बच्चों ने खाना। अरे हनी अंदर चलो ना, आ जाओ। अरे यार अभी किए 20 मिनट पहले साफ, फिर साफ कर दो गाड़ी। ठीक है यार लोग। यार डरा क्यों रहा भाई, कौन आ गया? ससुर जी आइडिया आ गया। तेरा कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे, तेरे सारे आइडिया ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मुझे महंगे पड़े तेरे आइडिया। अरे ससुर जी सुन तो ले। नहीं चाहिए नहीं भाई, ये आइडिया 2019 है। कोई सा भी हो भाई मुझे नहीं चाहिए। आइडिया तो मुझे का है। हेलो अशरफ, लड्डू बात कर रहा हूँ। लड्डू नहीं लड्डू, तेरे बचपन का दोस्त यार। हाँ सुन, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, एक मसला हो गया। हाँ 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 मैं वही बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से बात। बिल्कुल ठीक है, चल तू। हाँ ठीक है, लेकिन सुन ये काम आज ही करना है। चम 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 अठने की छालिया अठने के पान, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली जिसमें रहे शौकत अली को गोली लगी। लगी। कौन है ये लोग और क्या हो रहा है ये सब? जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। ये लोग सब मुतासरीन है। किस चीज के मुतासरीन है? मुतासरीन मुतासरीन नहीं है हम लोग। हाँ हम तो इस घर के मालिक से मिलने के लिए आए हैं। ओ भाई इस घर का कोई मालिक वालिक नहीं है, इस घर की तो सिर्फ मालिकन है और वो मैं हूँ। क्या कह रही हैं आप मोहतरमा, ये रशीद का घर नहीं है? अरे ये मेरा घर है और मैं मालिकन हूँ इस घर की। तो फिर ये रशीद कौन है? रशीद, रशीद साहब तो मेरे समधी हैं। वो समधी नहीं है, वो एक नंबर का चीटर है। उसने किराए के घर के नाम पे मुझसे पैसे लिए और वो पैसे खा गया, और जिस घर का पता बताया वहाँ खाली प्लाट पड़ा हुआ था, उसने मुझे इस घर का पता बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नहीं नहीं मामा, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मगर तुम्हें कैसे पता कि ये झूठ बोल रहा है? अब मुझे कैसे पता, अब मुझे लड्डू ने बताया था। वो लड्डू भी एक नंबर का चीटर है। ए सुनिए जरा, आप तमीज से बात कीजिए। तुम्हें लड्डू ने क्या बताया था? मामा यही कि ये लोग सब मुतासरी ना, और क्या। वो झूठ बोलता है मिठाई के नाम वाला। हाँ और ये भी मुझे रशीद को कमीशन एजेंट लगता है। अच्छा अच्छा आप थोड़ी देर सब्र करें, मुझे 10 मिनट दें, मैं अभी सब पता करती हूँ कि मामला क्या है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर धरने पर हूँ, 10 मिनट नहीं मुझसे 10 दिन ले रहे आप। अच्छा अच्छा मैं अभी आई। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। हद हो गई वैसे, अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? लड्डू बहुत ही बुरी बात है यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। बस बस ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? चुप करें। ये कभी हो ही नहीं सकता कि लड्डू कुछ करे और आपको पता ना हो। लेकिन मम्मी जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है अब्बा हुजूर ने किया है वहाँ पे। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इसके अब्बा जो है ना वो एक नंबर के दो नंबर आदमी। ठीक कह रहे, चलिए बाहर चलिए और चल के पता करें कि पैसे कितने लिए हैं। हैं? ये हुई ना बात, चले चले। बस बस ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही लोगों से अदा करवाऊंगी मैं ये रकम, वरना जेल तक मैं खुद लेके जाऊंगी तुम लोगों को। चलिए निकलिए। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, ना मंजूर ना मंजूर। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं एक जन्नत में, जहाँ पे कुछ फरिश्ता सिफत लोगों ने कुछ बेघर लोगों को पना दी है। बेघर लोगों को पना देने वाले लोग इंसान नहीं फरिश्ते हैं। आइए इन फरिश्ता सिफत लोगों से कुछ बात करते हैं।
जी बताइए, आप ये फलाई काम कब से कर रही हैं? ओहो क्या बकवास है ये, हटाओ इसे। अरे मैडम ये लाइव जा रहा है, दुनिया देख रही है। ओ, मैं तो जी खादिम हूं इन लोगों की। जी मैं बताता हूँ, दरअसल मम्मी हुजूर उन लोगों में से हैं जो एक हाथ से निकी करती हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देती। हाँ नाज़रीन देखा आप लोगों ने, आज भी कैसे कैसे सखी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। आप बताइए आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं? देखें ये तारी बेगम है और ये हर रोज किसी न किसी की मदद करती रहती हैं, और मैं तो सबको बोलूँगा कि भाई आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद करें, और मैं ये चाहता हूँ कि ये देखिए नाज़रीन कितने मासूम बच्चे और उनके वालिद। ये मेरे साथ धोखा हुआ मेरे साथ, ये लोग सब चीटर है चीटर। बस काट दो इसे। जी 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 अभी भी इसी घर में मौजूद हूँ, क्या आप इस फैमिली की मदद करना चाहते हैं? 120 गज का घर और 2 लाख रुपए इनाम, ओहो क्या बात है जी, मुबारक हो। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आपको रहने के लिए घर देना चाहता है। चले भाई आपका मसला तो हल हो गया भाई, और आप लोगों को भी 2 लाख रुपए इनाम। मगर मेरे पैसे। तुझे रहने को मुफ्त में घर मिल गया, तुझे अभी भी पैसे चाहिए? मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए ना, बैठ जाओ। कैमरा अगर चल रहा है तो उसे बंद कर दो, हमें पैसे देने हैं। हाँ भैया लड्डू बस गिनना शुरू करो, बस एक दो और ये लो। ठहर जाओ क्या कर रहा हो यार, मारो। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।